आतंकवाद जिसका जिक्र आते ही मन सिहर उठता है, दिल दहल उठता है। आतंकवाद का नाम लेते ही ऐसा लगता है मानो जैसे चारों तरफ लाशों का अंबार लगा हो। तबाही का मंजर हमारी आंखों के चारों ओर घूमने लगता है। ना कोई धर्म, ना कोई जात और ना ही किसी तरह की कोई भावना। इन आतंकियों के जहन में मानो खून नहीं जहर बहता हो। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि आखिर युवा आतंकियों की पनाह क्यों लेता है? नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे। आज कभी न्यूज़ आतंकवाद से जुड़े उन अहम रहस्यों से पर्दा खोलेगा जिससे आप अभी तक अनजान हैं। पहले अमूमन ऐसा होता था कि आतंकी भारत में कम पढ़े लिखे लोगों को बहला फुसलाकर अपने संगठन में शामिल करते थे, लेकिन अब उनके निशाने पर पढ़े लिखे नौजवान हैं। आतंकियों को लगता है कि उनके जरिए ऑपरेशन को अंजाम देना ज़्यादा आसान होता है। वह इंटरनेट की दुनिया के साथ खुफिया एजेंसियों की जानकारियां भी साझा करते हैं। बीते कुछ समय पहले यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक युवक को आतंकी गुट ने खुद से जोड़ लिया। युवक हॉस्टल में रहकर आतंकी गुट के संपर्क में था और किसी को भी जरा सी भी भनक नहीं लगने दी। इससे पहले वेस्ट यूपी में एजाज नामक आतंकवादी भी पढ़ा लिखा था। इंटरनेट के जरिए वह अपने आकाओं के संपर्क में रहता था। इंटरनेट को भी घाटी में लंबे समय से हथियार बनाया जाता रहा है। अब जम्मू में ताज़ा उदाहरण देखने को भी मिला। आत्मघाती हमलावर होने के शक में जिस लड़की को कस्टडी में लिया गया है वह नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। इंटरनेट के जरिए वह गलत हाथों में पड़ गई। उसे शादी से लेकर दुनिया का हर सुख देने का ख्वाब दिखाया गया। आतंकी हमला करने की साजिश के शक में कश्मीर में जिस लड़की को पकड़ा गया था उसका प्रोफाइल चौंका देने वाला था। जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं उनके मुताबिक पुणे की रहने वाली ये लड़की नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। वह आतंकवाद से प्रभावित थी, लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ। दरअसल इंटरनेट के जरिए एक लड़की ने उससे दोस्ती की और धीरे धीरे उसकी मानसिकता में बड़ा परिवर्तन ला दिया। लड़की का नज़रिया बदल गया और वह आतंक में रुचि लेने लगी। इस बीच लड़की को शादी का ख्वाब भी दिखाया गया और उसकी जिंदगी जन्नत बनाने की बात कही गई। आत्मघाती विस्फोट के लिए किसी को तैयार करना आसान नहीं होता है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी सोच को किस कदर बदला गया होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा एक युवक आतंकी संगठन का हिस्सा बन गया। इसकी जानकारी उसने खुद ही सोशल साइट के जरिए अपना एक फोटो पोस्ट करके दी थी। इससे हड़कंप मच गया और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई। युवक कश्मीर का रहने वाला था और कुछ सालों से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान वह आतंकी संगठन के संपर्क में आ गया। ऐसे युवा को अब आतंकी संगठन साथ ले रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। ISIS भी यही कर रहा है। युवाओं का इस तरह से भटकाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंताजनक था। कश्मीर रेंज की ADG मुनीर खान भी मानते थे कि आतंकवादी संगठन पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। युवा अपनी राह से ना भटके इसके लिए भी लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। अभी हाल ही में भारतीय सैनिकों ने जैबुल्ला नाम के एक आतंकी को अपने शिकंजे में ले लिया है, लेकिन उसने जो खुलासे किए वह वाकई चौंका देने वाले हैं। 20 मार्च को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के एक ऑपरेशन के दौरान जैबुल्ला पकड़ा गया। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने जमात उद दावा के बारे में कई अहम जानकारियाँ दी। जैबुल्ला ने बताया कि किस प्रकार हाफिज सईद और जकीवर रहमान लखवी जैसे आतंकियों को सरगना युवाओं की भर्ती करते हैं और कई चरणों में उन्हें भारत के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। जैबुल्ला ने जो बताया वह वाकई कान खड़े कर देने वाला था। उसने बताया कि जो नए लड़के आतंकी की पनाह लेते हैं उनको लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। जमात में वरिष्ठता के 7 चक्र हैं,
जो ट्रेनिंग पर नजर रखते हैं। इन लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के जंगलों, मुजफ्फराबाद और मुदरके के रीजनल सेंटर समेत 7 जगहों पर ट्रेनिंग मिलती है। ज्ञात हो कि इसी साल मार्च के महीने में ज़ैबुल्लाह अपने 5 अन्य साथियों के साथ भारतीय सीमा में हमले की प्लानिंग के तहत आया था। उसके बाकी साथियों को एनकाउंटर में मार दिया गया था और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। हालांकि इस दौरान 2 पुलिस वाले भी शहीद हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि इनकी पनाहगाह में आने वाले युवा आखिर आते कहां से हैं। अब सवाल उठा है तो इसका जवाब भी आप जरा ज़ैबुल्लाह से ही पूछ लीजिए। मेरा नाम ज़बीउल्लाह हमज़ा है और मेरे वालिद का नाम सनाउल्लाह साकिब है और मेरी 20 साल उम्र है। हम 8 भाई और 3 बहनें हैं और मेरे वालिद की सरकारी मुलाजमत इनकम टैक्स में अफसर है वो, और मैंने लश्कर के जो कैंप मानसेरा गढ़ी हबीबुल्ला में 21 दिन की ट्रेनिंग की पहले, उसके बाद 5 महीने का दौरा खास मुजफ्फराबाद में। पहले तो हम 2 महीने दक्कन में रहे, उसके बाद 2 महीने अम्बोर में और आखिरी महीने में अक्सा में रहा। हमारी ट्रेनिंग दौरा खास की मुजफ्फराबाद में हुई और वो दक्कन में हुई। उसी दौरान जकीर मान लखवी आए और उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया मैदान में और पूछा कि भाई कोई किसी का कोई सवाल हो, तो सारे तो एक दूसरे की तरफ देखते रहे, किसी ने सवाल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको नसीहत करता हूँ। उन्होंने हमें नसीहत की कि आपकी ट्रेनिंग है, सख्त है, इसमें किसी ने भागना नहीं और इस्तकामत से डटे रहना और इंशाल्लाह इसके बाद हम कश्मीर में जिहाद करेंगे। इसके बाद वो चले गए और उसके बाद फरवरी और मार्च 2017 हमारा दौरा अम्बोर मेरा दौरा खास, उधर हाफिज सईद आए और वो लश्कर वालों से मिले और उसके बाद वो चले गए और हम भी उनसे मिले। हमारी 2018 में बर्फानी क्लास हुई। बर्फानी क्लास में हमें बर्फों में रहना सिखाया कि बर्फ में रहना, चलना, सारा सामान हमारे पास वो बर्फानी का था, बर्फों का। और उसके बाद GPS वायरलेस, इसकी हमें दोबारा से प्रैक्टिस करवाई और निशानाबाजी, फायर, ब्रस्ट फायर भी करवाए, आड़ में फायर करना भी सिखाया। ये 2 महीने हमारी जो मुजफ्फराबाद KFC में बर्फानी क्लास चली। ज़ैबुल्लाह के मुताबिक नए लड़कों के लिए मसूल मदरसों के बच्चों को चुनते हैं और उन्हें लाहौर के मुरिदके में बने सेंटर पर लाते हैं। आपको यह भी बता दें कि ज़ैबुल्लाह को मौत की खाई में डालने वाले खुद उसके पिता ही थे। ज़ैबुल्लाह को उसके पिता ही इस भर्ती में ले गए थे जो कि मुल्तान में एक मसूल के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद ज़ैबुल्लाह ने 6 ट्रेनिंग लोकेशंस के बारे में भी जानकारी साझा की और बताया कि इन सेंटर्स को मस्कर कहा जाता है। इन सेंटर्स में सबसे पहला नाम मनसेरा में तारुक, डैकिन, अम्बोरे, अक्सा, खैबर और मुरिद के हैं। ज़ैबुल्लाह ने यह भी बताया कि हर सेंटर पर पाकिस्तानी आर्मी और ISI के लोग हर समय मदद के लिए मौजूद रहते हैं। बात जब आतंकवादियों की हो रही है तो हाफिज सईद और लखवी का नाम ना आए कैसे हो सकता है। ज़ैबुल्लाह की पहली ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जनवरी में हो रही दूसरे चरण की ट्रेनिंग के दौरान कैंप डैकिन में लखवी आया था। अम्बोरे ट्रेनिंग कैंप में हाफिज सईद भी आया और लड़कों को गले लगाकर भारत के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। विनाशकारी तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि क्या इन आतंकियों के जहन में प्यार नहीं सिर्फ नफरत ही पलता है। अब आप आतंकियों का दूसरा स्वरूप भी देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी के अंदर कभी प्यार नहीं उमड़ा है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी एक ऐसा ही आतंकवादी था जिसकी एक नहीं कई गर्लफ्रेंड थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल अपनी आशिकी की वजह से ही मारा गया था। हिजबुल की गर्लफ्रेंड का नाम प्रियंका सिंह था। 22 साल का बुरहान 15 साल की उम्र में ही आतंकी बन गया था। साथ ही वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। हिजबुल ने एक नहीं बल्कि कई महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। यह हरकत उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड को नागवार गुजरी और उसने सुरक्षा एजेंसियों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी, जिसके चलते हिजबुल मुजाहिदीन को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने घेरे में लेकर उसे मार गिराया था। कहते हैं प्यार और जंग में सब कुछ जायज है।
तो ज़रा आप बुरहान वानी के उस वीडियो को भी देख लीजिए जिसमें उसने कहा है भारत उसका दुश्मन है। असल में हमारा जो दुश्मन है वो भारत है। ये भारत की कारस्तानी है कि वो हमें आपस में पुलिस के साथ लड़वा रहा है, वरना हम एक ही कौम है, आपस में भाई भाई हैं। लेकिन तुम सब ये समझने से कासिर हो। वहीं दूसरी ओर हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर और बुरहान वानी का साथी सफजार अहमद भट्ट भी एक ऐसा शख्स था जिसे प्यार में धोखा मिला था। अगर हम सफजार के बारे में और जाने तो मालूम होता है कि सफजार दक्षिण कश्मीर के त्राल का रहने वाला था। उसके पिता गुलाम हसन भट्ट हैं। कहा जाता है कि सफजार हिजबुल के पूर्व कमांडर बुरहान वानी के बचपन का दोस्त था। वानी की मौत के बाद वह हिजबुल के लिए काम कर रहे कश्मीरी युवाओं की अगुवाई कर रहा था। 25 साल का सफजार घाटी में सबडॉन के नाम से भी जाना जाता था। रिपोर्टों के अनुसार उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। बताया यह भी जाता है कि सेना के एक जवान से उसने राइफल छीना था। उसकी इस योग्यता को देखने के बाद ही उसे हिजबुल में शामिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह प्यार में नाकामयाब होने के बाद आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल हो गया था। लड़की के घर वालों ने उससे शादी का रिश्ता भी ठुकरा दिया था। सफजार सोशल नेटवर्किंग में काफ़ी माहिर था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके घाटी में अशांति फैलाने का आइडिया भी हिजबुल को सफजार ने ही दिया था। उसके कई वायरल वीडियोस की वजह से ही घाटी में बुरहान वानी को एक नई पहचान मिली थी। अगर बात आंकड़ों की करें तो पिछले 15 सालों में दुनिया भर में मारे जाने वाले लोगों की संख्या में 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोई भी आतंकी घटना लंबे समय के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अपना व्यापक असर छोड़ती है। तात्कालिक नुकसान के इतर इस दीर्घकालिक प्रभाव के तहत लोगों में अवसाद घर कर जाता है, सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है। राजनीतिक असर के रूप में नियम कानून कठोर किए जाने से विभिन्न देशों के बीच रिश्तों पर असर पड़ते हैं। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित 11 में से 10 देशों में शरणार्थी और आंतरिक विस्थापन की दर सर्वाधिक है। पेरिस का 13/11 हमला और मुंबई में 26/11 को याद करते ही रूह कांप उठती है। आज भी आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं जिन पर अभी तक कोई शिकंजा नहीं कसा जा सका है। तो ये थी आतंकियों से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी जो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आज बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।